दिन भर के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। गोला तहसील में बने 220 केवी सब स्टेशन का मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा 8 जून से मंदिर, मॉल, होटल आदि जगहों को खोला जाएगा जहां संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग के बाद ही मिलेगा प्रवेश। मंडलायुक्त ने उद्योगपतियों के साथ आयुक्त सभागार में की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने कहा सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर सहित अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर साफ सफाई और सुरक्षा उपकरणों का दिया जाए विशेष ध्यान। गोरखपुर एम्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पदभार ग्रहण करते ही कहा कि एम्स की आधुनिक सुविधाओं को हम आमजन तक पहुंचाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर के माध्यम से जरूरतमंदों का करेंगे उपचार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में नगर क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों के साथ की अपराध समीक्षा बैठक। एसडीएफसी के मोबाइल एटीएम वैन का जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने साइबर थाने का किया निरीक्षण, कहा साइबर मामलों को त्वरित गति से किया जाए निस्तारण। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक। चौकी प्रभारी पेडलेगंज व उनकी टीम ने 4 महीने से पिछड़े फैज को मिलाया उनके परिवार से। 4 लेन निर्माण कार्य के तहत गोरखनाथ क्षेत्र में हो रहे कार्यों से लोगों में खुशी, कहा इस निर्माण कार्य से शहर का होगा चौमुखी विकास। राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने अपर नगर आयुक्त से मिलकर क्षतिग्रस्त फिराक गोरखपुरी की प्रतिमा को यथाशीघ्र मरम्मत कराकर स्थापित करने की मांग। झगा पुलिस ने हत्या आरोपी 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गोलघर में सड़कों पर खड़ी बेतरतीब गाड़ियों के खिलाफ यातायात विभाग और जटेपुर चौकी इंचार्ज ने चलाया अभियान। और प्रदेश संगठन के निर्देश पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मरीन बस्तियों में बांटा सैनिटाइजर और मास्क। लखनऊ स्थित कालिदास मार्ग के प्रथम तल हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित उपकेंद्रों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। वहीं गोरखपुर के गोला में बने 220 केवी विद्युत सब स्टेशन का भी लोकार्पण संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सबको पर्याप्त बिजली देने का प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, बहुत ही जल्द शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में चिल्लुपार विधायक विनय तिवारी, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, पूर्वांचल विद्युत वितरण चीफ डी के सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। होने वाला लाभ इस उपकेंद्र के निर्माण के फलस्वरूप जनपदों गाँव के शहरी क्षेत्रों का सूचना उपकेंद्र के निर्माण में होने वाला लाभ इस उपकेंद्र के निर्माण से तहसील गोला एवं तहसील बासगांव क्षेत्र के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों को सुचारू रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति में सहायक होगा तथा 220 केवी विद्युत उपकेंद्र पर होगा गोरखपुर,
एवं 132 के लिए उपकेंद्र कौड़ी नाम की अतिभारिता दूर होगी। लाभान्वित क्षेत्र तहसील गोला तहसील बांसगांव क्षेत्र की समस्त तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 5 लाख आबादी लाभान्वित होगी। निर्माण से होने वाला लाभ इस उपकेंद्र के निर्माण के फलस्वरूप फतेहपुर सीकरी विधान प्रदेश की जनता को आज यहाँ पर अर्पित कर रही है। मैं इसके लिए आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रदेश और केंद्र सरकार के माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूँ और पावर कॉर्पोरेशन को समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने पिछले 3 वर्षों में एक बेहतर कार्य संस्कृति को आगे बढ़ा करके आम जन के विश्वास को व्यवस्था के प्रति सुदृढ़ करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। चाहे वह प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण की समान व्यवस्था प्रत्येक नागरिक तक करने के लिए उठाए गए कदम हो, जिसमें जिला मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में 17 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति का संकल्प हो और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जिसके माध्यम से हर एक घर में उजाला देने की लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा देश के अंदर लक्ष्य उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पास था। 1,24,00,000 से अधिक ऐसे परिवारों के पास जिन्होंने आजादी के बाद बिजली नहीं देखी थी, उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर उनके घरों तक भी उजाला पहुंचाने का कार्य किया गया। ऐसा नहीं दे गए बल्कि इसके लिए लगभग 2.25 लाख मजदूरों तक विद्युतीकरण के कार्य के विराट लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया और एक निरंतर प्रयास है कि प्रत्येक घर तक आने वाले समय में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति कर सके और संकल्प को प्रयास की एक कड़ी जुड़ी जा रही है। ये सारा कार्य मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने बताया। मुख्यमंत्री जी सुबह 10 बजे यहाँ प्रदेश में विभिन्न जगह का जो कितने विद्युत केंद्र रेडी हो गया उसको लोकार्पण किए थे। तकरीबन 3,400 करोड़ का परियोजना है विभिन्न जनपद में, उस पर गोरखपुर भी शामिल था। गोरखपुर में गोला में 220/33 kV का एक सबस्टेशन यहाँ बन के तैयार हो गया, आज से वो प्रारंभ होगा। गोला में है ये 2 तहसील का, इसी के वजह विद्युत का आपूर्तिकरण होगा, ये गोला तहसील और बांसगांव तहसील, और वहाँ तकरीबन 5 लाख लोग का फ़ायदा मिलेगा। उनका घरेलू कनेक्शन का तेज़ी आएगा और वहाँ इंडस्ट्री इत्यादि जो अभी चीनी मिल आ रहा है उसी का भी बढ़ावा मिलेगा वहाँ उसी क्षेत्र में। उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह प्रारंभ किया। 5 कालिदास मार्ग लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 8 जून से धार्मिक स्थलों सहित होटल मॉल को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए खोले जाने के संबंध में गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी धार्मिक स्थल, होटल, मॉल आदि खोले जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए होटल, मॉल व धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 व्यक्तियों से अधिक लोग मौजूद नहीं रहेंगे।
साथ ही प्रवेश करने से पहले सैनिटाइजर का उपयोग करवाते हुए मास्क लगाने वालों को ही प्रवेश दिया जाए। वहीं इन सभी जगहों पर सुरक्षा उपकरण व संक्रमण से बचने के लिए अन्य जरूरी संसाधन रखे जाएं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। इस दौरान एडीजी जोन दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, डीआईजी राजेश डी मोदक राव, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, ज्वाइंट डायरेक्टर स्वास्थ्य डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, बीआरडी प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये बोले जा सकते हैं, स्ट्रेस किया जा रहा है, सभी धार्मिक स्थलों के लिए ये निर्देश भी है कि इनको खोलने से पूर्व जिला एक जगह 5 से 10 श्रद्धालु न रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, कोई लक्षण युक्त में पोस्टर स्टैटिस और माइक्रोफोन पीए सिस्टम जरूर चालू है, व्यवस्था बन जाए कि लोग रुके ही ना। कार्यालयों में विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में अगर इस पूरे अभियान में हम ये सुनिश्चित करें कि थूकने की प्रथा ही खत्म हो जाए, धार्मिक स्थल या फिर कार्यालय या फिर मॉल होटल और रेस्टोरेंट के 100% इंश्योर करना है। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस, स्त्रियां हैं 10 वर्ष से आयु के कम के बच्चे हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि गाइडलाइंस में कि जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले। जो रोकथाम के लिए उपाय है जो संक्रमण अंदर में पोस्टर स्टैटिस और माइक्रोफोन पीए सिस्टम जरूर चालू रहे। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में उद्योगपतियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान उद्योगपतियों द्वारा कितनी फैक्ट्रियां खोली गई हैं और कितनी बंद हैं, इन सब का ब्यौरा लेते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के बीच पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ फैक्ट्रियां चलाई जाएं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और कामगारों को मास्क लगाने की अपील की जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजयंत पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीईओ संजीव सरन, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी व व्यापारी मौजूद रहे। गोरखपुर से शुरू करिए, टेस्ट है क्या यहाँ पर? टोटल नंबर नहीं, ये लोग बता देंगे, हम लोग बता दे रहे हैं। बताइए, वो हमारी जो है कि 7021 इकाइयाँ जो है वर्किंग है, तो मुझे 70% सर जो है ठीक है। और बाकी लोग भी तीनों जिलों के ये डेटा रेडी रखे अपने हाथ में। और इसमें सर जो है कि हमारी जो है कि मीडियम है को ये किसी सुविधा का लाभ उठाएं सर, सर हमारी सूची में बने रहने से, तो एक तो ये करवा दीजिए सर। इस मॉल में कितनी है? इस मॉल में हमारी सर जो है कि 737 737 क्योंकि वो हमारे उसमें है नहीं वेरीफाई करके जो है, क्योंकि इनकी स्मॉल संख्या इसलिए हम लोग बात कर पा रहे हैं, ये बिजनेस भी नहीं है। तो कैंसिल करना चाहिए, कैंसिल करा, आपको 2-3 नोट करवाया आपको सर, आपने बताया भी था। और सर उसमें जो है एमएसएमई की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, ये जो उद्योग आधार, तो ये ओपन साइट है सर, कोई भी बताए सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर सहित अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने इन सभी जगहों पर इन्हें चलाने वालों से साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए इन प्रतिष्ठानों को खोला जाए ऐसा निर्देश दिया। साथ ही सभी आने जाने वाले ग्राहकों का नाम, पता व मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर भी बनाया जाए,
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया, सलून स्पा ब्यूटी पार्लर इसी टाइप का जो महकमा है कहाँ अक्सर जनता आते हैं और उसी पे जो चूना पड़ता है वो तो तमाम चीज़ प्रयोग में आता है, यानी जो मानव का वो संक्रमण में आ सकता है उसी के लिए अलग निर्देश हम लोग जारी किए हैं पहले से ही। वैसे जो भी आते हैं उनका सैनिटाइज कराना है, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बैठाना है, जो तवलियाँ जो भी जो कंज्यूमेबल यूज़ होता है वो एक बार यूज़ होगा, जो किस व्यक्ति का यूज़ करते हैं उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। सीज़र और जो काटने के लिए जो यूज़ करने वाले चीज़ है उसी को ढंग से सैनिटाइज कराने के बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने एक निर्देश भी जारी किया, जो कितने भी ग्राहक आते हैं ब्यूटी पार्लर स्पा और जो नाई का दुकान कहीं से भी, उन्हीं का एक रजिस्टर में मेंटेन करके नोट कर लें, ताकि वो आपको नहीं पता रहता है जो व्यक्ति आए हैं कहाँ से आए हैं। इनके से संक्रमण होता है तो फिर हम तब ट्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति किसी सलून में किसी स्पा में पहुँच गया है, उनके वजह तो फिर स्पा संक्रमित होता है, तो फिर उसके बाद कितने लोग आए वो सभी का हमें क्वारंटाइन करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है। ये आपके भले के लिए है, केवल स्पा और जो इसी टाइप का महकमा नहीं, बाकी भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, कितने तरह का वाणिज्य जो एस्टैब्लिशमेंट है कहाँ जनसंख्या आने जाने की संभावना ज़्यादा है, वैसे मॉल है, वैसे होटल है, वैसे जो भी महकमा है कहाँ जो लोग का फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ भी इस रजिस्टर मेंटेन करने के लिए हम लोग निर्देश दिए थे, ताकि कहीं किसी समय में कुछ घटना होता तो उसी के हिसाब से हम जो कितने लोग संपर्क में आते हैं उन्हीं का हम बचा सकें। गोरखपुर एम्स में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर सेवा बाधित रहेगी जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता। लॉकडाउन में ओपीडी सेवा भी बाधित रहेगी। वहीं टेली मेडिसिन के माध्यम से मरीजों को सुविधाएं दी जाएंगी। अगर किसी को किसी प्रकार की जानकारी लेनी होगी तो उन्हें भी टेली मेडिसिन के माध्यम से ही जानकारी दी जाएगी। यह बातें प्रेस वार्ता के माध्यम से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स गोरखपुर की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कार्यभार ग्रहण कर बताया। उन्होंने कहा कि एम्स की आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जन तक पहुंचे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। गांव में विशेष शिविर लगाकर जरूरतमंदों का उपचार भी कराया जाएगा। ऐसे ही हमारा हॉस्पिटल पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाता है, सारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तब हम आगे इमरजेंसी और ट्रॉमा की सेवा शुरू करने में मतलब सक्षम हो पाएंगे। देखिए अभी जो है कमियां, अगर आप कमियों की बात करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही थोड़ा सा कहना है कि कंस्ट्रक्शन डिले जो हो गई है कोरोना की वजह से, शायद बाकी सब चीज़ें सब ठीक है, सब कुछ सही है जितना अभी तक का हमने चार्ज देखा है। और कंस्ट्रक्शन डिले हुआ है वो उसका सभी को पता है, कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन डिले हुए, अदरवाइज मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हमारा हॉस्पिटल या हमारी सर्विसेज में कोई रुकावट आएगी। बीच में मीनिंग ओपीडी चलता था और उसके बाद से फिर सर्जरी भी चला, फिर मीनिंग सर्जरी करके, लेकिन सर्जरी की पूरी तरह से व्यवस्था कब तक संचालित होगी? सर्जरी की पूरी व्यवस्था जैसे आपको मैंने बोला, देखिए सर्जरी विभाग जो है वो बिना ऑपरेशन थिएटर के नहीं चलेगा। जब तक आपकी बिल्डिंग नहीं रेडी होके मिलती है हमको कंस्ट्रक्शन के बाद जो आईपीडी है, तब तक आप ओपीडी सर्विसेज भी नहीं शुरू करते। जब पेशेंट एडमिट होगा तब हम उसका ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करने के लिए ओटी का प्रिपरेशन होना ज़रूरी है। तो अभी जब तक कंस्ट्रक्शन वाले हमें वो बिल्डिंग नहीं हैंडओवर कर सकते तब तक हम ओटी और ओपीडी ये नहीं शुरू कर पाएंगे। लॉकडाउन में देखिए ऐसा है, जिस समय लॉकडाउन है हम लोग ओपीडी की सुविधाएं नहीं प्रारंभ कर सकते। उसमें रीज़न ये है कि जहाँ भी आपने ओपीडी सुविधाएं, हम लोगों ने टेली मेडिसिन की ओपीडी शुरू की हुई है जिसमें क्या है आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। अगर मैंने रूटीन ओपीडी शुरू कर दी तो फिर वही भीड़ भड़ाका वाली बात हो जाएगी और लोगों में इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन ज़्यादा होगी। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो टेली मेडिसिन की सर्विसेज हम लोगों ने शुरू की हुई हैं और कोरोना से संबंधित किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं या कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं पेशेंट्स, वो हम टेली मेडिसिन के द्वारा उनको दे देते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा पुलिस लाइन सभागार में नगर थाना क्षेत्र के सभी संबंधित थानाध्यक्षों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की गई।
बैठक के दौरान अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाते हुए अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहने का निर्देश भी दिया गया। इस दौरान SPCT डॉक्टर कौस्तुभ, CO कैंट सुमित शुक्ला, CO गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, मंथली क्राइम मीटिंग की गई नगर क्षेत्र के सभी थानों की, जिसमें SPCT और सभी CO's और सभी थानेदारों ने पार्टिसिपेट किया और अपराध की समीक्षा, कोरोना की समीक्षा, लॉकडाउन की समीक्षा और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर, जो भी जनता को सहूलियतें देनी है, IGRS संबंधित शिकायत प्रणाली की समीक्षा, सभी विषयों की समीक्षा की गई और उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोर स्टेप तक पुलिस जाकर सुविधा और जो सहायता है उपलब्ध कराई जाए। कुछ खामियां भी मिली? जी हाँ, सभी के अपने अपने टारगेट्स होते हैं और उनको दिया गया है कि कहाँ विवेचना में कमी है, कहीं गुणवत्ता में कमी है, कहीं कुछ कमी है, और बहुत सारे थानों में अच्छा भी काम हुआ है। कुछ थानों ने अपने टारगेट्स बखूबी निभाए हैं, जैसे कि आपको पता ही, अभी तिवारीपुर में भी तिवारीपुर को SPCT ने सम्मानित भी किया था, क्योंकि विवेचनाओं का स्तर काफ़ी लंबित था और लॉकडाउन पीरियड में पुलिस ने बेहतर काम किया है। दोहरी जिम्मेदारी के साथ साथ लोगों की जानमाल की रक्षा भी हमारा दायित्व था, लॉकडाउन को भी लगाना था, कोरोना से अभी भी हम फाइट कर रहे हैं और मैं इस आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और कोरोना को लेकर कुछ जो सतर्कता नियम बनाए गए हैं उन सबका पालन करें। दूर दराज से आए श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान घरों में रहकर अपने जरूरी रोजमर्रा के सामानों को खरीद सकें, इसे देखते हुए HDFC बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मोबाइल ATM व्यवस्था शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने HDFC बैंक के संबंधित अधिकारियों के साथ फीता काटकर किया, जिससे पैसा जरूरतमंदों तक पहुंच सके और लोग घरों पर रहकर लॉकडाउन का 100% पालन कर सकें। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से मोबाइल ATM बैंक को इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था भी इस मोबाइल ATM वैन में की गई है। बट ये थोड़ा बाहर आ जाएगा ना, इधर से बैठे बैठे उसको और थोड़ा सा आगे, हाँ थोड़ा आगे कर लो, पीछे से कर लो। कितने लोड कर रहे हैं यार सर? इसमें अभी कैश जो हमारा लोड हुआ है वो करीब अभी 10 लाख के लोड हुआ है। वो तो अभी डेली यहीं पे लोकली लोड होता है, वो तो होता रहेगा। अभी तो ये पूरा एरिया में एरिया डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि 2-3 घंटे ऐसे यहाँ पे रहा, फिर इसके बाद जैसे जैसे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी वहाँ वहाँ ये वैन मूव करती है। एक रूट प्लान पर डे का रहेगा, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट का पीछा का तो यार आप पकड़े। जी सर, अच्छा सेफ है, आपने वो भी कर रखा है। चलिए भैया, ये तो यहाँ तो गार्ड तो रहेगा। हाँ गार्ड तो सिकंदर सर पीछा जवाब सिकंदर। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया,
HDFC प्रशासन ने एक मोबाइल ATM पहले बार शुरू किया है, इसके लिए हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ। खासतौर पर जो ग्रामीण इलाका में कहाँ जो बैंकिंग सर्विस नहीं है, कहीं इलाका में ATM बैंक नहीं है, उसी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ये 10 लाख तक का कैश इसका अंदर रहेगा, फिर रिफिल होता रहेगा। ज़रूरत के हिसाब से ये रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाका में मूव होगा। किसी के भी पैसा की ज़रूरत हो वो तुरंत वो निकाल सकता है। पहले भी ये कि मोबाइल ATM हम लोग के जनपद में है, बट ये इसी के वजह और काफ़ी एरिया कवर होगा। मैं HDFC प्रशासन को, जिला प्रशासन गोरखपुर की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा साइबर थाने का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि साइबर से संबंधित आपराधिक मामलों को गंभीरता से लेते हुए उसका निस्तारण त्वरित रूप से किया जाए, जिससे पीड़ितों को सहूलियत मिल सके। नगर निगम के सदन हॉल में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऑफ निर्भर निधि के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ग के व्यवसाय के लिए लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी, जिससे पटरी व्यवसायियों सहित अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जा सके। इस दौरान ADM सिटी RK श्रीवास्तव, CEO कैंड सुमित शुक्ला, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा, पार्षद जितेंद्र सैनी, यातायात विभाग के TSI, डूडा विभाग के अधिकारी, पटरी व्यवसाय के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। मेरी समझ से यही है टाउन वेंडिंग कमेटी का कि वो ये तय करें कि वास्तव में कौन से थे 24 मार्च 2020 के पहले वेंडिंग का काम कर रहा था और सर्विस से छूट गया है। सर अब ऐसे पटरी व्यवसाय जो 24 मार्च 2020 के पहले काम कर रहे थे, या तो वे हमारे सर्विस में आ गए होंगे या उस सर्वे से छूट गए होंगे या कुछ सर्वे समाप्त होने के बाद वेंडिंग का काम जो हमारे सर्विस में आए थे उनका सारा नाम हमारे पास है। अधिकांश हम लोगों ने ID कार्ड दे दिया है। जो बचे हुए हैं सर्वे से, मतलब सर्वे में आए थे लेकिन अभी ID नहीं दिया गया है, उनको 1 महीने के अंदर हम लोग ID कार्ड दे देंगे। फॉर्म का मतलब ये कि वो बैंक में लोन कैसे अप्लाई करें, तो वो फॉर्म भी आया नहीं है बैंक जब उसके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया, एक बहुत अच्छी योजना आई है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि समाज के हर वर्ग के व्यवसाय के लिए भारत सरकार द्वारा मदद की जाएगी। उसी कड़ी में ये योजना आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि आई है
और इसके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक आहूत की गई थी हम लोग तैयारी के लिए और एक दूसरे को अवगत कराने के लिए कि इस योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस योजना में कौन कौन लोग अर्ह होंगे और किस तरह हम अपने पटरी व्यवसायियों भाइयों को ऋण दिलवा पाएंगे, इस पर विशद चर्चा हुई और इस पर चर्चा करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। जनपद देवरिया का रहने वाला फैज अपने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र लेने के लिए मदनपुर जनता इंटर कॉलेज के लिए गया हुआ था और प्रवेश पत्र लेकर वापस ना आने पर फैज के पूरे परिवार द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद थक हार कर इस पूरे प्रकरण की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद आज कैंट थाना क्षेत्र के पैटलेगंज चौकी प्रभारी विवेक शुक्ला द्वारा फैज को सही सलामत उनके परिजनों को सौंप दिया गया। फैज ने बताया कि वो इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं देना चाहता था और वह नाराजगी की वजह से घर छोड़कर गोरखपुर चलाया था और पैटलेगंज के पास ही किराए के मकान में रह रहा था, जिसको सकुशल पैटलेगंज चौकी प्रभारी द्वारा उनके परिजनों को सौंप दिया गया, जिस पर परिजनों ने पैटलेगंज चौकी और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला, फैज शुक्ला व फिरोज अहमद ने बताया कि शेख फैज नाम का लड़का था जो देवरिया जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। ये पिछले 4 महीनों से एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र लेने गया था, वहीं से भाग आया था। इसके घर वाले काफ़ी परेशान थे, वहाँ गुमशुदगी लिखी थी। देवरिया पुलिस ने पोस्टर आदि करके इसके ढूंढ मतलब प्रचार प्रसार कर रही थी ताकि कैसे भी मिल जाए। हमारे पैडलेगंज चौकी इंचार्ज विवेक शुक्ला को ये व्यक्ति मिला, उनके अथक प्रयासों से इसके घर वालों का पता लगाया गया और उनके घर वालों को वो सकुशल सुपुर्द किया गया। पैडलेगंज चौकी द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया, 4 महीने से एक बच्चा जो गायब था उसको उनके घर वालों को सुपुर्द किया गया है। बस थोड़ा सा दिमाग गुस्से में था, इसीलिए मैं घूमने आ गया गोरखपुर, यही बात। कैसे आप कैसे बुला, मैंने आया था सर, सर से मैंने बात की, सर मैं यहाँ 2 महीने से मैं फंसा हूँ, मैं घर जाना है, तो सर ने मेरे फूफा के पास फ़ोन किया और निवारण किया कि यही बगल चौकी में यहाँ पे रहते थे और बगल में खाना पीना कहाँ से मिलता था, खाने यही चौकी से मिलता था। यहाँ पर ये लड़का जो है तकरीबन 3-4 महीने से ये भग गया था, किसी बदमाशी कहिए या इसके दिमागी कुछ खुराफात कहिए, और यहाँ वहाँ से निकल गया और उसके बाद इसकी तलाश जारी थी। और ये CBSE बोर्ड में हाई स्कूल का स्टूडेंट है और मात्र 2-3 दिन पहले ये वहाँ से भागा हुआ है। क्या नाम है इसका, कौन लड़का है? ये हमारा जो है हमारे साले का लड़का है। कैसे पता चला यहाँ पर? हमको पुलिस के द्वारा जो है ये बताया, तो उसी मोबाइल नंबर पे ये पुलिस के द्वारा हमको सूचना दी गई कि घर पे कि इस तरह का बच्चा यहाँ पे है और तलाश चूँकि जारी थी, तो तुरंत हम लोग जो जहाँ जहाँ जो परिजन थे भग के पहुँचे यहाँ पे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक चल रहे 4 लेन के निर्माण कार्य के दौरान गोरखनाथ रोड पर लगातार कार्यदायी संस्था द्वारा अतिक्रमण हटाते हुए 4 लेन निर्माण कार्य तीव्र गति के साथ किया जा रहा है। वहीं गोरखनाथ रोड पर सैकड़ों प्रतिष्ठानों, रिहायशी मकानों सहित कई मंदिरों को भी इस निर्माण कार्य के लिए ध्वस्त किया गया है, जिससे 4 लेन सड़क का कार्य समय रहते गुणवत्ता युक्त किया जा सके।
वहीं लोगों ने भी सरकार की इस पहल को सराहा है। वहीं लोगों का कहना है कि आने वाले समय में शहर को जाम से यहां मुक्ति मिलेगी, वहीं शहर का चौमुखी विकास भी होगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया। देखिए, परेशानी तो जो है, जब किसी शहर का विकास होता है तो परेशानियाँ थोड़ी बहुत उठानी पड़ती हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। इसके लिए ये पूरा मोहल्ला, सारे लोग पहले से तैयार थे, डेढ़ साल से इसकी तैयारी चल रही है। और अगर विकास होता है तो उसमें सबका भला है। और जो बहुत गरीब थे उनको महाराष्ट्र ने रैन बसेरा में शिफ्ट करा दिया है, बाकी सभी लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएँ कर ली, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। क्या लगता है इसके बदले महाराज जी ने क्या आश्वासन दिया, क्या करेंगे? अब जिनकी दुकानें टूटी हैं और जिनके मकान गिरे हैं, महाराज जी पहले उनको बनवा करके देंगे, जो उन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी जिनका अपना खुद का है वो अपनी अपनी तैयारी खुद करेंगे। दिक्कतें तो हैं, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन महाराज जी ने कहा है कि पुनः बसाया जाएगा। और इस रोड पे जो दुकानें जिनकी महाराज जी के छत्रछाया में बहुत भैया, वो उन्होंने कहा 6-8 महीने में दे दिया जाएगा। ठीक है, 6-8 महीने नहीं, साल भर में बन के मिल जाएगी तो सबको पुनः देंगे, इतना विश्वास है महाराज जी को। मंदिर तो जैसे आगे था सड़क पे, उसकी वजह से इसका टूटा गया है और महाराज जी ने इसकी जगह दी हुई है, जगह अलाट हो गई है। कुछ दिन में ये मंदिर वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसकी भूमि पूजन भी महाराज जी से ही करवाएंगे। क्या लगता है विकास कार्यों में आप लोगों को कितनी खुशी मिल रही? विकास जो हो रहा है गोरखपुर का, उस पर आपको महाराज जी क्या कहते? महाराज जी के साथ हैं हम लोग, महाराज जी को पूरा सहयोग किया जा रहा है, सारा क्षेत्र महाराज जी का है। और कुछ क्योंकि गोरखनाथ है इसलिए यहाँ पे विकास का काम और स्पीड से ही हो रहा है। राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार श्रीवास्तव व महानगर अध्यक्ष प्रखर कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सामाजिक संगठनों के साथ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त वी के सिन्हा से मिलकर क्षतिग्रस्त हुए फिराक चौक स्थित फिराक गोरखपुरी की प्रतिमा को यथाशीघ्र मरम्मत कराकर अविलंब स्थापित कराने की मांग की गई। थोड़ा खड़े रहिए आप लोग, थोड़ा दूर दूर हो जाए। अरे ठीक है, ना ही जाना है, जो पढ़ाई ला वही सीख ली है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा व राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया। ज्ञापन दिया गया है कि माननीय श्री फिराक गोरखपुरी साहब जो मशहूर शायर हैं, उनकी मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है, रात में कोई ट्रक वाला उसको मार गया है, तो वहाँ पर उसके रिपेयरिंग का होना है। और आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, आप लोग हम 2 दिन पहले भी नगर आयुक्त साहब से मिले थे और आपको आश्वासन दिया गया है कि बिल्कुल जैसे पूर्व की स्थिति थी वही वो कायम कर दी जाएगी। यहाँ पे फिराक गोरखपुरी जी की प्रतिमा
जो कि दिनांक 28 तारीख को ट्रेलर की ठोकर से लड़ करके क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसके पुनर्स्थापना के लिए और प्रतिमा के सुंदरीकरण के लिए और साथ में ही गोरखपुर के पूर्व विधायक, आज़ादी के पहले के पूर्व विधायक बाबू बिनवासी प्रसाद पार्क के प्रतिमा को स्थापित कराने के लिए अविलंब प्रतिमा को स्थापित करावें, सुंदरीकरण कराएं, इस दिशा में सार्थक प्रयास करने का प्रयास करेंगे। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के आदेश व एसपी नॉर्थ और सीओ के पर्यवेक्षण में थानेदार अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार को गहिरा मोड़ से खोराबार के रहने वाले हत्यारोपी सन्नी और सतेंद्र पासवान को गिरफ्तार किया। बीते 24 मई को झगहा में हुए डबल मर्डर में फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित रखा था। लॉकडाउन के पांचवें चरण में जिला प्रशासन द्वारा दी गई छूट के बाद सड़कों पर चहल पहल काफी बढ़ गई है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। जगह जगह बेतरतीब खड़ी गाड़ियां जाम की समस्या को उत्पन्न कर रही हैं, जिसे देखते हुए यातायात विभाग और जटेपुर चौकी इंचार्ज द्वारा गोलघर में अभियान चलाकर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों का चालान काटते हुए उन्हें ट्रेन के माध्यम से यातायात कार्यालय भिजवाया गया। वहीं आम जनमानस से अपील भी की गई कि सड़कों पर बनी पार्किंग में ही अपनी गाड़ियों को पार्क करें, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जो भी वाहन खड़ा किए हैं, बार बार बताया जाता है, अनाउंस किया जाता है, पहरे होगा कि यहाँ गाड़ी आप लोग अपने वाहन को तत्काल हटा दीजिए। अनाउंस करके बताया जाता है, जब गाड़ी आप खड़ा करते हैं तब भी अनाउंस करके बताया जाता है, उसके बाद भी अपने वाहन को खड़ा करके चले जाते हैं। क्यों नहीं पार्किंग में खड़ा कर रहे हैं? प्रदेश संगठन के निर्देश के बाद कोरोना वायरस से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मलिन बस्तियों में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। वहीं कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए मास्क लगाने की अपील भी की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पवन यादव, हिमांशु श्रीवास्तव, शशांक सोनकर सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े ने बताया, 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मोर्चा 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सभी मलिन बस्तियों में जाके मास्क और सैनिटाइजर देने का काम करेंगे। उसी कार्यक्रम के तहत आज गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष आदरणीय पवन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने इस बात को तय किया है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गोरखपुर के मलिन बस्तियों में जाके आज से सैनिटाइजर और मास्क वितरण करने का काम करेंगे। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।